मैं डॉक्टर अकबर खान, आई एम ए प्रेसिडेंट शामली। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अभिवीरा फाउंडेशन को, जिन्होंने मुझसे आग्रह किया कि डॉक्टर साहब, अब लॉकडाउन खुल चुका है तो आप कुछ बातें लोगों को बताएं जो इस लॉकडाउन खुलने के बाद उनके काम आ सके। तो देखिए, मैं कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। बहुत सारी बातें बहुत सारे माध्यम तक से लोगों को पहुंची हुई हैं, लोग सुनते हैं और देखते हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मुझ जैसे आदमी को या हम लोगों को खटकती है, वो ये है कि आम लोगों को बेसिक बात ही नहीं पता है, उनका बेसिक फंडा ही क्लियर नहीं है कि ये कोरोना वायरस फैलता कैसे है। अगर हमें ये पता चल जाए कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है, बेसिक बात पता चल जाए, तो हम काफी हद तक खुद ही इन चीजों से निपट सकते हैं। तो देखिए, बेस तो बदला नहीं है। जब लॉकडाउन लगा था तब भी यही बेस था और आज भी यही बेस है कि ये कोरोना वायरस जिस तरीके से फैलता है, ये वही तरीका है। वो तरीका क्या है? वो तरीका यह है कि अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है तो वो अपने मुंह की भाप से या अपने थूक से बोलते समय, खांसते समय, छींकते समय जो भाप निकलती है उसमें उस वायरस को फैलाता है। हम ये मान के चलते हैं कि जब कोई बोलता है या छींकता है या खांसता है तो 2 फिट, 3 फिट, 4 फिट या हद से हद 6 फिट तक उसका असर होता है। यही बात समझाई जाती है 2 गज की दूरी, यानी 2 गज का वो फासला जहां तक मेरी बोलने से मेरा थूक जा सकता है, वहीं तक वो वायरस भी जा सकता है। नंबर एक। नंबर दो, अगर कोई शख्स, कोई इंसान, कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वो अपने हाथों में संक्रमण लेता है और उस संक्रमित हाथों से जिन भी चीजों को टच करता है उन चीजों पे वो वायरस चला जाता है। जैसे कि मैं अपने स्ट्रेथ को हाथ लगाता हूं, जैसे कि मैं अपने पेन को हाथ लगाता हूं, मैं किसी भी सामग्री को हाथ लगाता हूं, वो चीज संक्रमित हो जाती है, उस पर वायरस आ जाता है। ये 2 चीजें जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा, मेरी थूक से 2 गज की दूरी तक वायरस जा सकता है। मैं किसी चीज को हाथ लगाऊंगा, उस चीज पे वायरस होगा, वो वायरस पहुंच सकता है आगे। 2 ही तो बातें हैं, इनको समझने में क्या परेशानी है? अब सुनिए, देखिए, जिस समय लॉकडाउन लगा था उस समय हम सब लोगों को अपने घर में कैद कर दिया गया था। 130 करोड़ जनता घर के अंदर थी, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। डंडे का जोर था, प्रशासन का कहना था, कुछ भी था। अरे भाई, जब आप घर के अंदर हैं तो ना तो वैसा शख्स आपके सामने आया जिसके मुंह से आपको बचना है, ना ऐसी कोई सामग्री आई जिससे आपको बचना है। बहुत ही चंद चीजें थी जिनका आपको मोटा मोटा बचाव करना था। तब कुछ मुश्किल नहीं था, तब मुश्किल नहीं था, आज मुश्किल है। आज अनलॉकडाउन हो चुका है, सब कुछ खोल दिया गया है, सरकार की मजबूरी है, खोलना तो पड़ेगा ही, कब तक बंद करेंगे? कहा गया है कि आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मघाती मत बनिए। आत्मघाती बन रहे हैं हम लोग क्योंकि हमारे बेस क्लियर नहीं है। अगर हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तो हम अपनी क्या सुरक्षा करेंगे? ना हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, ना हम दूसरे की सुरक्षा कर पाएंगे। तो अब जो मैंने आपको बेसिक बात बताई है, उस बात को ध्यान में रखते हुए देखिए कि अब हमें क्या करना है। पहले हम घर से बाहर नहीं निकलते थे, अब हमें घर से बाहर निकलना है। नंबर एक चीज, बिना बात, बिना जरूरी, बिना इमरजेंसी के घर से मत निकलिए। आप अवॉइड कर सकते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद इन चीजों को जज कर सकते हैं, खुद सोचिए कि मैं किन किन कामों के लिए अवॉइड कर सकता हूं। किसी ने आपको बुलाया है, जहां पर कोई फंक्शन है छोटा मोटा, या कोई मौत हो गई है, या कोई खुशी की बात हो गई है, घर से 3 लोग जा रहे हैं, 5 क्यों जा रहे हैं? 2 को घर पर बिठाइए ना, मैं तो 3 को भी मत भेजिए, 1 को भेज दीजिए। दुकान से सामान लाना है, 2 आदमी क्यों जा रहे हैं, 1 आदमी चला जाइए। आप किसी काम से अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने बॉस से बात कीजिए, उनसे पूछिए, सर क्या काम है, क्या मैं घर से कर सकता हूं? बहुत सारे काम आज के दौर में घर से भी हो सकते हैं, आप उनसे बात कीजिए, काम ही तो करना है, घर से भी हो सकता है। स्कूल बंद है अभी तो फिलहाल, हमारे मंदिर, मस्जिद, इनके बारे में भी आदेश दिए गए हैं, लेकिन आदेश दे दिए गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि घुस जाए मंदिर में, घुस जाए मस्जिद में। अरे भाई, वहां पर भी कोशिश करिए कि अवॉइड कर लीजिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां अवॉइड किया जा सकता है। डॉक्टर को दिखाने जाना है, 4 आदमी क्यों जा रहे हैं, 1 आदमी जाइए। अगर वो खुद जा सकता है तो अकेला जाइए, नहीं जा सकता है तो अपने साथ सिर्फ 1 आदमी को लेके जाए। तो पहला सबक क्या सीखे, अवॉइड करें घर से निकलना। आपके लिए आज भी लॉकडाउन है। अनलॉकडाउन का मतलब यह नहीं कि निकल गए हम तो सबके सब घर से बाहर, नहीं भाई। किन शर्तों में, किन वजह से, मजबूरी के तहत सरकार ने आपको परमिशन दी है, आप ये समझें।
सरकार ने परमिशन दी है, उसका दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें। नंबर एक। नंबर दो, अब आपको निकलना है, निकलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहला काम, बिना मास्क के घर से बाहर नहीं जाना है। आपकी पैंट, आपकी शर्ट, क्या इनके बगैर घर से बाहर निकलते हैं? इनके बगैर तो कभी नहीं निकलते, जूतों के बगैर तो कभी नहीं जाते, तो मास्क के बगैर क्यों जा रहे हैं? बहुत सारे पेशेंट हमारे यहां आते हैं, साहब मैं तो जल्दी में आ गया। अरे भाई कौन सी जल्दी, शर्ट पहनना भूल गए थे, पैंट पहनना भूल गए थे, तो मास्क क्यों भूल गए? क्योंकि आपने उसकी अहमियत नहीं जानी। आप सिर्फ मास्क इसलिए पहनते हैं कि चालान ना हो जाए, पुलिस वाला ना पकड़ ले। अरे भाई पुलिस वाले के लिए नहीं, ये आपके लिए जरूरी है। मास्क को अपनी पैंट और शर्ट से भी ऊपर समझिए, मास्क पहनिए। नंबर एक। नंबर दो, जिस आदमी के भी आप 6 फीट की दूरी में या 2 गज की दूरी में आ रहे हैं, उसका मास्क होना चाहिए। अगर उसने मास्क नहीं पहना है, आप दूर हट जाइए। भाई साहब दूर दूर, 10 फीट जाओ दूर मुझसे, 12 फीट दूर जाओ, बात नहीं करनी तुमसे। अगर 6 फीट की दूरी तक, 2 गज की दूरी तक कोई भी शख्स आपके आसपास है, तो वो मास्क में होना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है, आप उसको बोले, दुकान पे जा रहे हैं, उसने मास्क नहीं लगा रखा है, आप बोलिए उससे, भाई साहब मास्क लगा लीजिए, नहीं तो शिकायत कर दूंगा। आप किसी और जगह पहुंचे, वहां 4 आदमी खड़े हुए हैं, आपको वहां से निकल के जाना है, आप बोलिए भाई साहब मास्क लगा लीजिए। अरे जब आप मास्क की अहमियत को समझेंगे, तो 100% दूसरे को बोलेंगे, बिना मास्क के ना आप ना दूसरा, बिल्कुल भी नहीं। अब दूसरी बात सुनिए मास्क को लेकर। मास्क के साथ, जैसे कि मैंने आपको बेसिक फंडा बताया था, मैं बोलूंगा तो मेरा वायरस निकलेगा, मुंह ढक लिया। अरे भाई मुंह ढक लिया तो समझिए कि मैंने दूसरे को बचा लिया। यही हो रहा है। आप लोग, मैंने देखता हूं छोटे छोटे मास्क लगाते हैं, मुंह ढका हुआ होता है, नाक खुली होती है। अरे तुमने दूसरे को बचा लिया, क्यों? अगर तुम्हें संक्रमण है तो दूसरे तक नहीं पहुंचेगा, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर दूसरे को संक्रमण है और उसका आया, तो तुम्हारी नाक तो खुली हुई है। मुंह से बचाओ दूसरे का, नाक से बचाओ तुम्हारा। तो सच पूछो तो नाक ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नाक बंद है तो हम बचे हुए हैं, अगर मुंह बच भी गया तो दूसरा जाएगा, नाक खुली रह गई तो आप चले जाएंगे। तो इसलिए मास्क को यहां तक लगाएं, ये नहीं कि सरासी जगह पर मुंह पे आपने मास्क लगा लिया। तो ये चीज मास्क के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मास्क के बारे में इंपॉर्टेंट है, देखिए जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो कह दिया गया था कि गमछा, साड़ी का पल्लू और बहुत सारी चीजें, उनका इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन वो उस वक्त कहा गया था, और उसके कहने के पीछे मकसद ये था कि आपने मुंह ढक लिया, आपने मुंह ढक लिया। गमछा, साड़ी का पल्लू, ये सब चीजें हमें समझाई गई थी, बहुत अच्छी बात है तब समझाई गई थी, लेकिन इससे क्या होता है, इससे हमारा मुंह ढकता है। हमने मुंह ढक लिया तो दूसरा बच गया, लेकिन भाई साहब गमछा तो गमछा ही रहेगा, रुमाल रुमाल ही रहेगा, ये अपनी ही जो इनके काम है वो आप नहीं भूल सकते। यानी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे ही आपने, मिसाल के तौर पे आपने रुमाल से मुंह ढका, आप ऐसी जगह चले गए जहां पर कोई कोरोना संक्रमित था, वो बोला, थूक आया, रुमाल पे आ गया, भाई जान बच गई। अरे जान तो बच गई, लेकिन थोड़ी देर बाद तो आपने अपनी जान खुद ले ली, क्योंकि आपने रुमाल समझ के उससे मुंह पहुंच लिया। पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं? आप गमछे से गमछे वाला काम करते हैं या नहीं करते हैं? 100% करते हैं, सब लोग करते हैं। तो आपने मुंह ढका, दूसरों को बचाया, लेकिन उस बेचारे ने आपकी रक्षा करी और आपने इन वक्त पे उसका इस्तेमाल अपने लिए फिर करके अपनी जान को फिर जोखिम में डाल दिया। ऐसा नहीं करना है। देखिए भाई, 2 रुपए का मास्क मैं आपको दिखाता हूं, ये सर्जिकल मास्क है, ज्यादातर डॉक्टर लगाते हैं, ये 2 रुपए में मिलता है, कुछ ज्यादा नहीं है, आपकी जिंदगी से ज्यादा कोई है, ये खरीदिए, इसे हम मास्क कहते हैं, इसे लगाइए। इसे लगाते वक्त, जैसे कि मैंने ये लगाया, ये मैंने लगा लिया, यहां पर इसके बांधने वाली ये चीज होती है। अब क्या है, अब मैं आपको बताता हूं, आप गए टॉयलेट, आप गए घर में, आप गए बाथरूम, कहीं पर भी ऐसी जगह जहां पर अब आपको मास्क उतारना है, तो आपको करना क्या है, ये आपने ऐसे पकड़ा, ऐसे उतारा, और हर जगह भाई साहब ऐसी जगह मिल जाएगी जहां आप इसे टांग सकते हैं, इसे ऐसे पकड़ के ऐसे टांग दिया, और जब आपका काम हो गया, इसे फिर ऐसे ही उतारा और फिर ऐसे ही पहन लिया। ये जो इसका सामने का हिस्सा है, मान के चलिए कि कोरोना इस पर है, आपकी जान इसने बचाई है, इसे टच नहीं करना है, बिल्कुल भी इसे छूना नहीं है, इसको छूते ही तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। इस बेचारे ने तो अपना काम सही किया था, लेकिन आपकी कमअकली के वजह से आप फंस गए।
आप समझ लीजिए ये मास्क है, इसने हमारी रक्षा करी, हमें इसकी हिफाजत कैसे करनी है। अब एक और मास्क से ही रिलेटेड मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारे लोग N95 मास्क खरीद रहे हैं, साहब उनका कारोबार बड़ा जबरदस्त चल रहा है। ये मास्क आपके लिए नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल मास्क। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हम जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स उनका इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है कैसे इस्तेमाल करना है। आप इस्तेमाल करेंगे, पहली चीज तो जो चीज उन लोगों के लिए थी जिनको जरूरत थी उनको नहीं मिल पाएगी, दूसरा आपको नहीं मालूम कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसमें सांस लेना बड़ा दिक्कत वाला होता है, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। बहुत बहुत सारे आप मैसेजेस देखते होंगे अजीब अजीब से कि साहब ऑक्सीजन की कमी आ रही है मास्क लगाने से और ये हो रहा है, उनसे होता है, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। और मैं एक चीज और शेयर कर दूं, बात लंबी हो रही है लेकिन एक साहब से मैं मिलता हूं और वो मुझे क्या कहते हैं, वो रुमाल लगाते थे, वो मुझे क्या कहते हैं, भाई सोते वक्त भी मैं यहां तक रखता हूं। अरे भाई घर पर क्यों लगाते हो मास्क, या घर पे क्यों ढकते हो? घर पर नहीं ढकना है, घर पे तो हम ये मान के चलते हैं कि हम ठीक आए हैं, संक्रमित नहीं है, और जो हमारे साथ लोग हैं वो भी संक्रमित नहीं है, तो वहां ढकने की जरूरत नहीं है। वर्क प्लेस पे ढकिए, ऑफिस जाए पूरा ऑफिस सबके सबके मुंह ढके होने चाहिए, जहां भी ऐसे शख्स हैं जिन पे आपको शक है ढके होने चाहिए। घर आए हैं बाहर खूंटी पे टांगिए, अपने कपड़ों को वहां उतारिए, दूसरे कपड़े वहां से पहनिए, ज्यादा आपको शक है तो नहा लीजिए एंड एंटर इन योर हाउस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। भाई इतना खतरा तो अब है, अब क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आप अपनी प्रिकॉशन ले सकते। जितनी बात मैंने बताई है बहुत ज्यादा है, इतनी भी कर लेंगे तो बच जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब क्या हुआ, मास्क कैसे लगाना है, हमेशा लगाना है, कौन सा लगाना है, ये पॉइंट नंबर वन है। ये बेस ढाई महीने में क्लियर नहीं हो पाया लोगों का, आप प्लीज इसे कर लीजिए। नंबर टू, अब आप कहीं पर भी गए, मास्क तो लगा हुआ था बच गए, जो कीटाणु आए वो मास्क पे आ गए वहां पर भी बच गए, अब आप कहां फंसे, फंडा नंबर टू, जिन चीजों को टच किया गया है आपने उन्हें टच किया, आप ये गांठ बांध लीजिए कि आपके घर के बाहर जितनी भी चीजें हैं कोरोना से संक्रमित है, मान के चलिए 100% हर चीज पे कोरोना है, तो मेरे हाथ पे भी कोरोना लग गया, दुकान पे गया था सामान लिया कोरोना, डॉक्टर के पास गया था उसकी सामान को हाथ लगाया कोरोना, ऑफिस गया था लैपटॉप को हाथ लगाया कंप्यूटर का हाथ लगाया कोरोना, है कोरोना। लेकिन यहां से यहां का फासला जब तक पूरा नहीं होगा आपको कुछ नहीं होगा। अरे हम डॉक्टर भी तो हाथ लगाते हैं, HIV तक के ब्लड हमारे हाथों पे लग जाते हैं, तो क्या उन्हीं से खाना खाने लगते हैं, बताइए आप। अरे हमें ख्याल होता है कि हमारे हाथ गंदे हैं, और ऐसा भी नहीं कि हम हर वक्त हाथ ही धोते रहते हैं, हमें ख्याल रहता है और हम वक्त पे जैसे ही हमें मौका लगता है हाथ धो लेते हैं, लेकिन हाथ मुंह पर नहीं लगाते हैं। तो दूसरा काम क्या करना है, हाथों को मुंह पर नहीं लगाना है, 100% इस चीज को देखना है, आप अपने हाथों को ये मान के चले कोरोना है। अब हाथ धोने की बात सुन लीजिए, साबुन से हाथ धोइए कम से कम 20 से 30 सेकेंड, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, यही करिए, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन ऐसा भी मत करिए, एक साहब से मैं बात कर रहा था, मैं उन्हें प्रिकॉशन समझा रहा था, तो मुझे जवाब में क्या जवाब देते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो दिन में 200 बार हाथ धोता हूं। अरे भाई 200 बार क्यों धो रहे हो, आपने कोई एक काम किया, आप गए दुकान पर, दुकान पे जितनी देर का आपका काम है कर लीजिए ना, अब ये कोई दुकान वाले से कहें भाई मेरे हाथ धुलवा दे, चल भाई फिर हाथ धुलवा दे, चल भाई, अरे भाई वो सेशन ऐसा है, उस सेशन में जो काम करना है कर लीजिए, उसके बाद जैसे ही मौका मिले हाथ धो लीजिए। दूसरे सेशन में दूसरी जगह गए, ऑफिस गए, आपको एक घंटा हो गया, आपने जो काम करना था हाथों से कर लिया, धो लिया। तो ये बात आप खुद सोच सकते हैं कि मैंने कहां कहां कब कब टच किया और हाथ मुंह पे लेके नहीं गया। मैं आपको सच बताऊं, अगर आप पूरे दिन भी हाथ ना धोएं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हाथ मुंह पे नहीं जाएगा तो, लेकिन चला जाता है, इसलिए जब भी मौका लगे 5-7 बार 10 बार जो भी आपको सही लगे आप हाथ धो लीजिए। बीच में कहीं आपको सैनिटाइजर मिलता है यूज कर लीजिए, लेकिन ये मत सोचिए सैनिटाइजर यूज कर लिया तो आई एम फ्री नाउ, नहीं भैया सैनिटाइजर भी कर लिया तो भी हाथ नहीं लगाऊंगा, डबल श्योरिटी। तो मैंने आपको क्या बताया, नंबर वन घर पे रहिए, नंबर टू मास्क लगाइए, नंबर थ्री जितना हो सकता है हाथों को अवॉइड कीजिए चेहरे पे लगाने के लिए, नंबर फोर हाथ धो लीजिए, और सप्लीमेंट्री आप जहां कहीं भी सैनिटाइजर मिलता है उस सैनिटाइजर का यूज कर लीजिए। क्या मुश्किल है, कोई मुझे ये बताए कि इसमें मुश्किल कहां है, कुछ भी तो मुश्किल नहीं है भाई, इतना काम कीजिए और उसके बाद जो चाहे आप करिए, मजबूरी है काम भी करने जरूरी है। तो इन चीजों को, इन बेस को क्लियर कर लीजिए,
आप लोग डॉक्टर नहीं हैं, आपके बेस क्लियर नहीं है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट्सएप पे वीडियो आती है, कोई डॉक्टर किसी आदमी से बात कर रहा है, आपने वायरल कर दी। लो भाई सुनो, अरे भाई सुनो सुनो, अरे भाई क्यों बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैजुअल बात कर रहा है, लोगों को कोई समझा रहा है, उससे तुम क्यों समझ रहे हो। किसी ने कहीं कहीं किसी की बात निकाल ली, कोई कहीं से कोई एक नया फतवा लेके आ गया, भाई साहब ऐसे ऐसे। ये नए नए ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, बेस इसका वही है जो पहले था। हम डॉक्टर बेचारे इसी तरह समझा रहे हैं, आप लोग की समझ में नहीं आ रहा है। बेस को समझ लीजिए तो आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप संक्रमित हो ही गए हैं, यहां कहीं पर भी आपके साथ दिक्कत हो गई, आपने इनमें से किसी भी चीज का कहीं भी आपने पालन नहीं करा, हो गए हैं, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। खूब अच्छा खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए। जितनी हेल्दी डाइट आप लेंगे उतने आप बच के रहेंगे। हेल्दी डाइट बताने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू के टोटके के साथ ये इसमें डाल दीजिए, वो ले लीजिए, और ये साहब ये कर लीजिए। नई दुनिया में चीजें नहीं आई हैं, वही पुरानी चीजें हैं। हेल्दी डाइट, समय पे सोना, समय पे खाना, पानी की अच्छी मात्रा, अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज हमेशा से बताई जाती है, उन सब का इस्तेमाल कीजिए। अगर आ भी गया तो कोई बात नहीं, लड़ लेंगे। देखिए एक और मिसकंसेप्शन है इस बीमारी के बारे में, बहुत लोग कहते हैं अरे भाई इससे हमारा क्या बिगड़ेगा, इसमें तो ज्यादातर लोग बच जाते हैं। कौन कहता है मर जाते हैं, बच जाते हैं, बच जाते हैं। प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम यहां है कि ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमित हो जाते हैं। मेरी फैमिली में मैं बच जाऊंगा शायद, उम्मीद है, लेकिन मेरी फैमिली में मेरे बूढ़े पापा भी हैं, मम्मा भी हैं, एक कोई ऐसा शख्स भी है जिसको कोमॉर्बिडिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, वो तो नहीं बचेगा। तो क्या मेरी जिम्मेदारी उसके लिए नहीं है? बिल्कुल है। 1 लाख आदमियों को हुआ और वो रिकवर हो गए, अरे भैया 1 लाख आदमी से जुड़े हुए अगर बेचारे 10,000 थे लोग, वो तो मर गए उन 1 लाख की गलतियों से। तो आप इस बेस को समझते ही नहीं है। कोई मैसेज वायरल हो जाता है, इससे मत डरो, सरकार डरा रही है, इससे मत डरो, फलाना डरा रहा है। अरे भाई बेस समझ लो, अगर ऐसी कोई बात आए तो आप उनको समझा दो, मैं डर नहीं रहा हूं, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, मैं अपने बूढ़े मां बाप को बचाना चाहता हूं। आप इन प्रिकॉशंस को समझिए, बेस को समझिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। हमारी दुआ आप लोगों के लिए यही है कि आप प्लीज 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 संभल के रहिए। जय हिंद।